हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी देखिए, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है किचन से ही, क्योंकि आधा जो लंच था वो मैंने बना लिया था और थोड़ा सा बाकी था, तो सोचा कि चलो अभी से ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ। तो अभी देखिए, मैंने निमोना जो है वो निमोना का मसाला मैं भून रही हूँ और रोटी लगा रही हूँ। चावल बाद में बनाऊँगी जब हस्बैंड नहा के आ जाएंगे तो। और एक साइड में मैं चाय भी बना रही हूँ, क्योंकि वो ब्रश करके अभी आए थे तो ब्रश करने के बाद उन्हें चाय चाहिए होता है। वो दिन भर नहीं पीते हैं, सो के उठते हैं तो भी उनको चाय नहीं चाहिए होता है, लेकिन जब ब्रश करते हैं तब उन्हें चाय चाहिए होता है और शाम को पीते हैं। दिन भर में बस वो दो बार ही चाय पीते हैं। तो अभी देखिए, मसाला भून गया है। इसमें मैंने आलू जो है, आलू और बड़ी डाल दिया है और बस इसे एक दो मिनट भून लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और जो मटर था ना पीस के मैंने रखा था वो भी मैंने डाल दिया है। और अब मैं इसका लिड लगा के कुकर का इसे रख दूँगी बस 5-6 सीटी आने तक। और यहाँ चाय बन गया है, अब ब्रश करके ये भी आ गए हैं, तो उन्हें पहले मैं गर्म पानी और तिल के लड्डू उन्हें दे देती हूँ, वो पानी पी लेंगे, फिर उनके बाद हम दोनों साथ में बैठ के चाय पी लेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा, और चाय तो ये हो रहा है कि दिन भर बस चाय पे ही रह जाए, पर चाय नुकसान भी करता है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो यार देखिए, निमोना जो है वो बन रहा है, बस 2-3 सीटी और आएगा। लग गया है कपड़े वाश करने के लिए, ये देखिए। और रूपेश अभी आज जो है न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं यहाँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ चलिए दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ जो सड़क है ना वो मतलब बहुत नीचे था, तो हमने मतलब मैं और मेरी सामने वाली पड़ोसन ने मिलकर हम लोग पैसा दिया है और इस सड़क पे जो है वो मलबा गिरा है तो कुछ लेवल में आ गया है। आज एक गाड़ी और आने वाले था पर नहीं आया क्योंकि बारिश हो गया, बारिश की वजह से वो मतलब मलबा उठ नहीं पा रहा है इस वजह से। तो आइए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है मलबा गिरने के बाद। क्या सीढ़ी के फ्रेंड्स, मेरी एक सीढ़ी जो है वो कवर हो गई है, उनकी भी एक सीढ़ी कवर हो गई है और कितना हाइट पे आ गया है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा है। रात को हस्बैंड जब गाड़ी चढ़ा रहे थे तो बहुत अच्छे से गाड़ी मतलब ऊपर चढ़ गई थी, इन्हें जरा सा भी मतलब मेहनत नहीं करना पड़ा था ना जी। तो देखिए, रात को बारिश हुई है, अभी देखिए धूप निकलता है कि नहीं निकलता है। हल्का हल्का मौसम तो लग रहा है बारिश का, तो पता नहीं बारिश होगा कि धूप निकलेगा। तो चलिए देखते हैं कि सीटी लगी। तो अभी छबी भी सो के उठी है, काफी लेट उठी है आज, क्योंकि रात को इसको बुखार फिर से हो गया था, तो रो रही है अभी कि मेरा बाल जो है आप कॉम्ब मत करिए। तो मैं जबरदस्ती इसका बाल कॉम्ब कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों का बाल जब बिखरा होता है ना तो बच्चों का फेस जो है वो अजीब दिखता है। और वो ब्रश कर चुकी है, चाय ब्रेड खा चुकी है और टीवी देख रही है अभी। अभी मैं जब निमोना का सीटी निकल जाएगा ना तो उसे रोटी और निमोना खिला के उसे दवाई भी खिला दूंगी। और बच्चों को कुछ हो जाता है ना तो मतलब माइंड जो है वो ख़राब हो जाता है, पर अभी ठीक है छबी। और दवा जो है वो 3-4 दिन मैं उसे खिलाऊंगी तो फीवर जो है अच्छे से उतर जाएगा। और यहाँ देखिए, बातें करते करते मैंने बर्तन भी धुल लिया और सिंक भी मैं अब साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद मैं गैस का एरिया साफ़ करूँगी, क्योंकि रोटी वगैरह बनाने के बाद ना थोड़ा गंदा हो ही जाता है, जब भी खाना बनाइए तो गैस तो गंदा होना ही होना है। और यहाँ देखिए, मैं सीटी निकाल लेती हूँ क्योंकि रुपेश को भी दवाई खाना था, तो रुपेश बोल रहा था कि मम्मी मुझे दे दीजिए रोटी सब्जी, मैं खा लूँ उसके बाद से मैं मतलब दवाई खा लूँ। और थोड़ा सा मुझे मतलब कुछ लन करना था उसे, उसके सर ने दिया था तो वही वो लन करेगा। और अभी देखिए, निमोना बन गया है, बहुत टेस्टी बना था, रुपेश को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें बरी पड़ी थी ना, बरी रुपेश को बहुत अच्छी लगती है, तो वही वो बोल रहा था मम्मी मुझे सारा बरी निकाल के आप दीजिएगा, ये देखिए बरी, तो इसे सिर्फ बरी ही चाहिए। पर मैंने बोला कि नहीं बेटा, आलू भी ले लो और बरी भी ले लो। तो मैं अभी रुपेश को दे देती हूँ, गैस साफ़ कर लूँगी, उसके बाद से फिर मैं छबी को ले जाऊँगी, खुद खिला दूँगी। और आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए निमोना, बड़ी वाली सब्जी और सादी रोटी। तो यहाँ मैं आ जाती हूँ अपना गैस क्लीन करने के लिए। तो अभी जो किचन है वो मेरा क्लीन हो गया है और कपड़े भी वाश हो चुके थे। आप देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है,
पर चलिए हो सकता है कि जो कपड़ा है वो सूख जाए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, अभी मैंने कपड़े जो है वो छत पे फैला दिए हैं और हल्की सी धूप निकली है, ज़्यादा नहीं है, बारिश हो रहा है क्या? नहीं, हल्की सी धूप निकली है, देखते हैं कपड़े सूख तो जाएंगे वैसे ही, क्योंकि मशीन ने जो है वो कपड़े काफ़ी हद तक सुखा दिए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं। तो अच्छा, ठीक है, तो मैं छवि का पहले क्वेश्चन आंसर सुन लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आओ छवि, तो सुन लें।